जादेभिः सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमो नमः। जय माँ दुर्गा, जय माँ चंद्रघंटा देवी नमः। नवरात्रि रे माँकर नौटी स्वरूप पूजा पाई। प्रथम शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ दुर्गांकर तृतीय स्वरूप होउछंती माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा होउछंती माँ पार्वतींकर शिवंकु विवाह करिबा परर स्वरूप। जेमिति ब्रह्मचारिणी अनमेरिड फॉर्म ऑफ माँ पार्वती से शिवंकु पाइबा पई जो कठोर तपस्या करिथिले सेही समय को ब्रह्मचारिणी स्वरूप बोली कुहा जाए। ठीक सेमिति शिवंकु विवाह करि सारिबा परर स्वरूप होउछंती माँ चंद्रघंटा माँ महागौरी। शिवंकु विवाह करि सारिबा परे निज कपाल को अर्धचंद्र द्वारा सजाई थिले तेणु तांकु चंद्रघंटा बोली कुहा जाए। माँ चंद्रघंटा होउछंती सिंह बाहिनी तांकर दस भुजा शोभा पाउछि। दस भुजारे से दस टी आयुध धरिछंती पद्मफूल धनुषर जपमाला अभय मुद्रा एहिपरि दस भुजारे से दस टी आयुध धारण करछंती। माँ चंद्रघंटा होउछंती माँ दुर्गांकर शांति स्वरूपिणी स्वरूपा। माँ चंद्रघंटा लोहित वस्त्र पिंधिथांती जोटा कि साहस और शक्तिर प्रतीक। दुग्ध बा दुग्ध जातीय मीठा माँकर प्रिय अटे एणु माँ को भोगरे दुग्ध किंबा दुग्ध जातीय मीठा भोग लगा जाए। माँ को पूजा आराधना करिबा द्वारा सबु प्रकारर दुख और भय दूर होइथाय। जीवन रे सुख समृद्धि और शांति आसीथाय। पौराणिक कथा अनुसारे प्राचीन कालरे देवता और असुरंक मध्यरे घमाघोट युद्ध चलीथिला। असुरंकर राजा महिषासुर और देवतांकर राजा इंद्रदेव थिले। महिषासुर घोर तपस्या करी सबु देवता मानंक थारु बर पाइथिला तेणु से युद्ध रे हारु नथिला। से देवता मानंकु हराई इंद्रंकर सिंहासन मध्य हासिल कला। महिषासुर इंद्र चंद्र सूर्य और वायु को समस्तंकर अधिकार छड़ाई नेला और स्वर्गरु विताड़ित कला। एही समस्यार समाधान पाई देवगण समस्ते ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर पाखक जाई महिषासुर अत्याचार विषय गुहारी कले। महिषासुर अत्याचार विषय शुणी ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर अधिक क्रोधित होइगले। क्रोधित हेबारु त्रिदेवंक मुखरु गोटे शक्ति उत्पन्न हेला। सेही शक्ति रु गोटे कन्या उत्पन्न हेले। सेही कन्याकु शंकर भगवान तांकर त्रिशूल प्रदान कले। विष्णु तांकर सुदर्शन चक्र प्रदान कले। सागर देले पद्मफूल वरुण देले शंख अग्नि देले मातांक शरीर सारा शक्ति पवन देवता देले धनुष इंद्र देवता देले ऐरावत हस्ती और वज्र विश्वकर्मा देले तलवार। एमिति सबु देवता मानंकर शक्ति मिसी माँक शक्ति बढ़ीगला। सूर्य मध्य निजर तेज और तलवार और सवारी पाई देले सिंह। तापर चंद्रघंटा सबु देवतांकर अस्त्रशस्त्र धरी महिषासुर सांगरे युद्ध करने को बाहरी पड़िले। देवींक रूप देखि महिषासुर भयरे थरी उठिला। तापर निज सेना सहित युद्ध कला। क्षणक मध्यरे महिषासुरर सेनागण सबु लोप पाइगले ध्वंस होइगले। तापरे महिषासुर को मारिबा पई देवी धनुष्टंकार करथिले। धनुष्टंकार सिंहर नाद और घंटीर शब्दरे चारियाड़ कंपी उठिला। सेही भयंकर शब्द और निजर प्रकोप द्वारा देवी सबु दैत्यंकु संहार करिदेले और देवता मानंक पई विजय आनीदेले। एहिपरि माँ चंद्रघंटा असुरंकु बद्ध कले देवतांकु अभयदान करी अंतर्ध्यान होइगले। नवरात्रि रे माँकर तृतीय स्वरूप रूपे माँ चंद्रघंटांकर पूजा आराधना करा जाए।
ମାଆଙ୍କର ଏହି ତୃତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ମା ନବରାତ୍ରିଙ୍କର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର କଥା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମାତା ଦୀ।